नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जंगली पौधा है जिसे इंद्रजव कहते हैं, मैं आप लोगों को ये जो दिखा रहा हूँ, हाँ यही इंद्रजव का पौधा है। यह 8 से 10 फीट होता है। इसे हमारे स्थानीय भाषा में कोरिया भी कहते हैं, कोरिया इंद्रजव। तो आप अपने क्षेत्र में किसी और अलग नाम से भी जानते होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो कोई भी नाम से आप जानते हो, बशर्ते इसका फ़ायदा और गुणधर्म अगर नहीं जानते हो या फिर थोड़ी बहुत जानते हो तो आज वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो ये इंद्रजव जो है जंगलों का पौधा है, जंगलों में पाए जाने वाला पेड़ है, जिसके पत्ते जो आप देख पा रहे हो उसी तरह से बादाम के पत्तों के समान बड़ा बड़ा होता है और इसके पत्ते को तोड़ने से दूध निकलता है। दरअसल इसके तने को तोड़ने से भी दूध निकलता है और दूध एक गोंद की तरह होता है जिसे हाथ लगाने पर हाथ चिपक जाता है। और इसके फूल जो है सफ़ेद सफ़ेद आते हैं, जो कि बहुत ही सुनहरे गुच्छों में लगते हैं और इसके फूलों से एक बहुत ही अच्छी सुगंध भी आती है, जिसे सूंघने मात्र से मन में शीतलता आती है और मन को एक सुकून शांति सा मिलता है। मनमोहक सुगंध आती है इसके फूलों से। अभी इसमें फूल नहीं आया है, लेकिन मैं आपको इमेज के माध्यम से फूल दिखा रहा हूँ, आप देख करके पहचान लीजिए। अभी इसमें फल आया हुआ है, इसलिए मैं आपको इसका फल दिखा रहा हूँ और इसके फल और इसके जड़, इसके छाल के औषधीय फायदे आपको बताऊंगा। तो बने रहें आप वीडियो में। अच्छा लगे इसकी जानकारी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में यदि पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसी तरह की हर एक वनस्पति की जानकारी हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगर इच्छुक हों तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए आपको बताते हैं इसके वो महत्वपूर्ण फायदे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके जड़ से शुरुआत करता हूँ। जैसे इसका जड़ आप खोदोगे तो थोड़ी बहुत जड़ निकाल के रख लेना औषधि प्रयोग के लिए और उस जड़ को आप रात भर पानी में भिगो करके रख दीजिए। एक गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए, उसके बाद सुबह उस पानी को छान लीजिए और उसमें चावल का जो धुआँ होता है उसको मिला दीजिए। यानी एक गिलास ये इंद्रजव की जड़ को डूबा हुआ पानी जो रहेगा उसका एक गिलास पानी और आधा गिलास के करीब जो चावल का धुआँ होता है उसे छान करके उसे मिला दीजिए, यानी डेढ़ गिलास हो जाएगा। तो डेढ़ गिलास पानी आप हर सुबह पीते हो इस तरह से बना करके, तो निश्चित रूप से आपकी जो पथरी की समस्या है, मूत्राशय में आपकी जो स्टोन जमी रहती है वह धीरे धीरे गल करके बाहर निकल जाती है और मूत्रकृच की समस्या, पेशाब में जलन की समस्या, किसी भी प्रकार की मूत्राशय की जो मार्ग की समस्या होती है वह समाप्त होती है। यह अजमाया हुआ है, यह ग्रामीण क्षेत्रों का असली रामबाण दवा है, अचूक अजमाया दवा है। तो आप भी इसे प्रयोग करके देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसके दूसरे फायदे बताता हूँ। इसका दूसरा फायदा ऐसा है दोस्तों, इसकी जो छाल है इंद्रजव के पेड़ का पौधा का, उस छाल को आप ले लीजिए और थोड़ी मात्रा में लगभग 5-10 ग्राम और इसकी जड़ दोनों को 5-10 ग्राम की मात्रा में मिला करके ले लीजिए और उसको अच्छे से पाउडर कर लीजिए। और इस पाउडर में दोस्तों इसका जो फल देख रहे हो इंद्रजव का, उस इंद्रजव के फल का भी पाउडर आप उसमें 5 ग्राम मिला दीजिए। मतलब सबको समान मात्रा में ले सकते हो, जड़ का पाउडर 5 ग्राम, छाल की पाउडर 5 ग्राम और इसके जो फल है इंद्रजव का उसका भी पाउडर 5 ग्राम, तो ये 15 ग्राम हो जाएगा। ये 15 ग्राम की मात्रा आप दिन में 3 बार सेवन कीजिए। और किस तरह से सेवन करना है, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर लंच के बाद और शाम को
डिनर के बाद। इस तरह से तीनों मिलाने के बाद 5-5 ग्राम की मात्रा में पाउडर यदि आप प्रतिदिन लेते हो या फिर किसी को देते हो जो डायबिटीज़ पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, मधुमेह का मरीज है, इस तरह के मरीज को यदि आप प्रतिदिन देते हो तो निश्चित रूप से 2 से 3 दिनों में ही उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप लगातार सेवन करते रहते हो तो हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा, ऐसा हमारे स्थानीय वैद्य जो हैं बताते हैं और उन्होंने प्रयोग करके देखा है, तभी वे लोग इसका आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें भी बताए हैं, इसलिए इस जानकारी को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह से प्रयोग करके देख सकते हो। इस इंद्रजव के बीज को आप पाउडर करके, इसके पाउडर को चावल में मिला करके खा सकते हो, या फिर खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी में डाल करके दे सकते हो। इस तरह से देने पर पेचिस में तुरंत फायदा होता है। अगर किसी भी प्रकार का दस्त की समस्या हो, वह दस्त से परेशान हो, तो आप उसे खिचड़ी बना करके उस खिचड़ी में इस इंद्रजव के फल को यानी इसका पाउडर को पीस करके मिला के दे सकते हो, या फिर अगर खिचड़ी नहीं बनाते हो तो चावल में भी खाता है, चावल सब्जी जो भी उसमें मिला करके दे सकते हो 5 ग्राम की मात्रा में, तो उसका पेचिस निश्चित रूप से समाप्त हो ही जाएगा। आप आजमा कर देख लेना, पंसारी के यहाँ भी इंद्रजव का बीज मिल जाता है तो वहाँ से भी आप खरीद करके इसका फ़ायदा देख सकते हो। और इसके चौथे फायदे सुनिए दोस्तों, अगर आप इंद्रजव को कूट पीस करके उसे पाउडर करके उसे गौमूत्र में मिला करके उस पेस्ट बना करके उस पेस्ट को यदि आप खाली पेट पीते हो तो इस तरह से पीने पर आपके पेट के जो कृमि रोग है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को या फिर बड़ों को, किसी को भी कृमि रोग हो सकता है, पेट के किसी भी प्रकार के कृमि रोग की समस्या में इंद्रजव का पाउडर को गौमूत्र के साथ मिलाकर पीने से निश्चित रूप से कृमि रोग में लाभ मिलता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त लाभ बता रहा हूँ, इस इंद्रजव की जो फलियाँ है, इस फलियों को इसके बीजों सहित ऐसे ही पूरी तरह से कुचल के, यानी इसके जो फल देख रहे हो इसके अंदर में बीज है, उसको बिना निकाले ऐसे ही कूट पीस करके सिलबट्टे में या फिर ओखली में किसी भी तरह से कूट पीस करके पूरी तरह से पेस्ट बना दीजिए। और पेस्ट कैसे बनाना है, इसमें भी आपको गौमूत्र डाल के उसको पेस्ट बनाना है। गौमूत्र डाल के पेस्ट बनाने के बाद उस पेस्ट को दांत खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, बवासीर, किसी भी तरह से जो उपदंश होता है, फोड़ा होता है या फिर जलन खुजली होता है, वहाँ पे लगाने से इस पेस्ट को बहुत ही जल्द, मतलब कह सकते हो तुरंत फायदा देता है। यानी बवासीर का जो मस्सा है उसमें भी लगाने से उसका दर्द ख़त्म होता है, दांत खुजली में लगाने से दांत खुजली में भी आराम मिलता है, शरीर में फोड़ा फुंसी है तो उसमें भी फायदा होता है, मतलब समस्त प्रकार के चर्म रोग को भी दूर करता है और बवासीर की जो तकलीफ़ है उसे भी ख़त्म करता है। तो इस तरह से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। इंद्रजव के कच्ची फलियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो ग्रामीण अंचल के हैं वो इस तरह के प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि शहर के लोगों को इसका बीज ही मिलेगा, इसका कच्चा फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इंद्रजव के बहुत सारे फायदे हैं, आज मैं आप लोगों को इतना ही फ़ायदा बता पा रहा हूँ। इसका अगली बार जब और वीडियो लाऊँगा तो और भी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने रखूँगा। आज की वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।